जब रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा राजनीति में उतरी तब अचानक से उनके फैंस का ध्यान राजनीति की तरफ खींचने लगा। अब एक बार फिर लोगों की नजरें क्रिकेटर की पत्नी पर टिक गई। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेटर मनीष पांडे और उनकी पत्नी आश्रिता शेट्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। जब दोनों की तस्वीरें पीएम मोदी के साथ सामने आईं, तब से ही लोग तरह तरह की कयास लगाने लगे। लोग सवाल उठाने लगे कि कर्नाटक में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुलाकात क्या चुनावों के मद्देनजर है? चलिए आइए आपको इसकी हकीकत के बारे में बताते हैं। तो बता दें कि मनीष पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो शेयर की, जिसमें उनकी पत्नी भी साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य हुआ, जय हिंद। इस पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि क्या मनीष या उनकी पत्नी राजनीति में कदम रखने वाली हैं। लोगों का कयास लगाना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि मई से पहले कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए ऐसे में पीएम मोदी से मुलाकात करना लोगों की नजरों में राजनीति में शामिल होना हो सकता है। अब दोनों का पीएम मोदी से मिलना, इसके पीछे की असली वजह इन्हीं दोनों को पता हो सकती है या फिर खुद प्रधानमंत्री को। आपको बता दें, बेंगलोर के रहने वाले मनीष पांडे डोमेस्टिक में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इस मुलाकात में सिर्फ मनीष पांडे और उनकी पत्नी नहीं बल्कि और भी कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। मयंक अग्रवाल, टीम इंडिया के पूर्व कोच कप्तान अनिल कुंबले और पूर्व क्रिकेटर जवागल श्रीनाथ भी मौजूद थे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि आश्रिता शेट्टी साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। दोनों ने साल 2019 में मुंबई में दक्षिण भारतीय रीति रिवाज से शादी की थी। अगर मनीष पांडे की बात की जाए तो उन्होंने नेशनल टीम में वनडे और टी20 क्रिकेट खेला। 29 वनडे मैचों में उन्होंने 566 रन और 39 टी20 मैचों में 709 रन बनाए। फिलहाल आश्रिता राजनीति में जाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या मनीष पांडे की वाइफ राजनीति के मैदान में उतर सकती हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आकर आप जरूर दें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।